अनफॉर्चुनेटली चिकनगुनिया और डेंगू के लिए अभी तक वैक्सीन इंडिया में तो अभी अवेलेबल नहीं है। इंटरनेशनली कुछ ट्रायल डेंगू के अगेंस्ट चल रहे हैं, अगर वो वैक्सीन एक्सेप्टेबल हो जाती है तो हो सकता है कुछ सालों में, एक दो सालों में इंडिया में भी वैक्सीन आ जाए। तब तक के लिए जो सिंपल प्रिकॉशंस हैं कि साफ पानी इकट्ठा ना होने दें अपनी छतों पे, कहीं गमलों में टायर में छिड़काव वगैरह होना, दवाइयों का डलना पानी के अंदर, इसके अलावा मरीज कोशिश करें कि जितना हो सकता है अपने अंगों को कवर रखें। फ्लू के लिए तो वैक्सीन अवेलेबल है, जो कि हमारी सलाह होती है कि हर साल पेशेंट को अपनी एक वैक्सीन, क्योंकि बार बार हमारे पेशेंट फ्लू के अटैक होते हैं तो हर साल इसकी एक वैक्सीनेशन होती है, तो आप प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन करा के फ्लू से बच सकते हैं। या अगर फ्लू हुआ भी वैक्सीनेशन के बाद तो उतना तेज फ्लू नहीं होता जितना कि जिस पेशेंट को इम्यूनाइजेशन ना हुई हो उसका जो फ्लू होता है।